दोस्तों ये जो मुर्गी है ना हमारी, ये कुड़ू की नहीं हो रही। 10 अंडे इसने दिए हमें और ना ही आगे अंडे दे रही है। पता नहीं क्या सीन है इसका। 10 अंडे दिए हैं इसने और आज इसको 3रा दिन हो गया है और ये 11वां अंडा दे ही नहीं रही। तो 10 अंडे इसके हम लोगों ने संभाल के रखे हुए, इंतजार कर रहे हैं इसका कुड़ूक होने का। अब पता नहीं ये और अंडे देगी तो कुड़ूक होगी, या पता नहीं अब इसने अंडे बस कर दिए अब ये कुड़ूक होगी। और कुड़ूक होगी तो पता नहीं हमें कैसे पता लगेगा, आप दोस्तों ने लाजमी बताने, क्योंकि 3रा दिन है आज। इसको मैं बाहर भी लेके गया था, मैंने सोचा अंडा वंडा नहीं दे रही, चले आज इसको बाहर लेके जाते हैं। बाहर इन लोगों को काफी देर मैंने खेलने को दिया, मट्टी में ये लोग खेल रहे थे, और फिर मैं वापसी लेकर आया। मैंने सोचा शायद अंडा देगी, लेकिन चेक करें इसने कितना खाया हुआ है। अंडा वंडा इसने कोई नहीं दिया और ना ही ये कुड़ूक हो रही है। पता नहीं इसका क्या सीन चल रहा है। तो अंडे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, 10 अंडे इसके पूरे यहाँ पे बड़े हुए, संभाल के हम लोगों ने रखे हुए इसी इंतजार में कि ये जल्दी से कुड़ूक हो जाएगी। लेकिन ये कुड़ूक ही नहीं हो रही। मुर्गा इसके साथ देखें घूम रहा है, ऑल टाइम मुर्गे के साथ घूम रही है, लेकिन फिर भी ना आगे के अंडे दे रही है और ना कुड़ूक हो रही है। तो आप दोस्तों ने बताने आपकी क्या होगा इसका मतलब, दोबारा से सारे अंडे देगी है या तो फिर अभी कुड़ूक हो जाएगी और अंडे भी नहीं देगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों अभी अपने सारे कबूतर खोले हुए और काफी देर से हम लोग छत पे बैठे हुए थे इसी इंतजार में कि कोई आज चड़ी मारी होगी और मजा आ जाएगा। तो अभी एक कबूतर आया था और सामने छत में बैठ गया था, बड़ा प्यारा सा कबूतर था, हाई फ्लायर काबली कबूतर था। और अभी जो है ना वो सामने से दोबारा उड़ गया, चील ने डराया उसको और वो दोबारा से उड़ गया। तो वो अभी यहीं भी घूम रहा है, देखते हैं वो भी उतरता है नहीं उतरता। और अपने कबूतर के पर भी खोलने, जो हमने 2 कबूतर पकड़े थे, एक ऑरेंज वाला और एक पिंक वाला। पिंक वाला जो था जब मैंने शिकार किया था वो काना था, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको इतनी जल्दी खोला नहीं था। तो आज उसको खोलने लगे और आज ही उसको उड़ाएंगे भी, उसको पर खोलेंगे और उसको फौरन से फ्लाइट देंगे। और जो हमने लाल वन कबूतर खोला था ना, आज उसको भी फ्लाइट देंगे। तो देखते हैं उन दोनों में से कौन सा घर का पक्का होता है। लाल वन को 2-3 दिन हो गए पर खोले हुए और वो तो ऊपर नीचे बैठ चुका है, लेकिन उस काने कबूतर को ना हम लोग आज खोलेंगे और आज ही लाल वन के साथ ही उड़ा देंगे। देखते हैं कौन से वाले की याददाश्त जो है ना ज्यादा तेज है। लाल वन को हालांकि 3 दिन हो गए, वो तो पक्का आना चाहिए। और काना जो है ना उसकी वैसी एक कमजोर है, देखते हैं वो भी आता है नहीं आता। हो सकता है दोनों आ जाए, हो सकता है दोनों ना आए, कोई एक आ जाए, देखते हैं कौन सा पहले आएगा। तो दोनों को उड़ाएंगे और वाला कबूतर भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी आएगा इस साइड पे। बार बार आ रहा है, उतरने की कोशिश कर रहा है लेकिन उतर नहीं पा रहा। तो भड़के वड़के लगाएंगे उसको भी उतारने की कोशिश करेंगे। काफी दिन हो गए हमने कबूतर नहीं पकड़ा कोई भी, तो आज जो है ना पूरी कोशिश करेंगे उसको छत पे उतार लें और उसको पकड़े, मजा आ जाएगा। आपको भी दिखाएंगे कैसा कबूतर है, किस तरह पकड़ेंगे वो भी फिर आप देखना। तो यहीं भी घूम रहे हैं, अभी आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी देर पहले सामने बैठा था लेकिन वहां से भी उड़ गए, तो अब आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अपने उस कबूतर के पर खोलते हैं। सबको छोड़े खाली, आप लोग मंजर चेक करें, ये चेक करें लाइन से कितनी सारी चीलें बैठी हुई हैं, ईगल्स बहुत सारी बैठी हुई हैं। और ऊपर देखें झुंड भी लगा हुआ है चीलों का। तो ये जो है ना पता नहीं इतनी सारी चीलें एक साथ यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं, हालांकि अभी किसी ने गोश्त भी नहीं डाला है इनको, फिर भी इतनी सारी चीलें एक साथ आगे बैठी हुई हैं। तो यही है जो हमारी दुश्मन है, जो कबूतर आगे बैठता है उनको उड़ा देती हैं। सामने छत में देखें कितनी सारी बैठी हुई हैं, वो देखें आ रही हैं अभी भी और भी आ रही हैं, फुल लाइन से, ऐसा लग रहा है पूरी छत भर देंगी। जैसे वहां पे किसी ने चीलें पाली हुई हो, तो उस कबूतर को, वो कबूतर ना सामने छत में बैठा हुआ था, चीलों ने इसको यहाँ से उड़ा दिया। अभी आगे पीछे में घूम रहा है, अभी आएगा तो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अपने उस कबूतर के पर खोलते हैं, देखें ये आ रहा है बिल्कुल टांगों के पास पास, तो इसको पकड़ते हैं और इसके पर खोलते हैं। तो ये कबूतर है, इसके हम लोगों ने पर खोल दी और आंख दिखाना है इसकी। आंख में हम लोगों ने ड्रॉप वगैरह डाले लेकिन ये सही नहीं हुई आंख इसकी, तो आपको दिखाते हैं। टिंड से भी बहुत ज्यादा गंजा है, ये देखें इसकी आंख बिल्कुल भी सेट नहीं हुई, हमने सोचा था सेट हो जाएगी। ये इसकी दूसरी आंख है, तो दूसरी आंख बिल्कुल सही है, ये आंख इसकी शायद पहले से ही खराब थी जब हमारे पास, मतलब बचपन से शायद खराब है, तो इसी वजह से सही नहीं हो रही। बाकी बाल वगैरह तो इसके नहीं आए बिल्कुल, जख्म से है कि उसे बाल ले नहीं आएंगे, इसको छोड़ दो। हाँ इसको भी अभी उड़ाएंगे और उस लाल बन को भी उड़ाएंगे। वो लाल बन किधर है, वो घूम रहा, वो लाल बन उसको भी उड़ाएंगे, इन दोनों का भी उड़ाएंगे और देखते हैं कौन सा वापसी आता है। उड़ाते हैं, रुक जाओ जरा, इसको पहले थोड़ी देर परवर सेट करने, तो फिर इसको उड़ाएंगे। ये चेक करें यार, ये कैसे कांप रही है। इसका उत्तरी को ना आज मैं सुबह सुबह आया तो इसको छींके लगी हुई थी, नजला हो रहा था इसको, तो इसको मैंने दवाई भी दी। अब देखो अल्लाह करे कि सेट हो जाए, पूरी उम्मीद है सेट हो जाएगी। नजले की मैंने इसको दवाई दे दी थी, इसकी आंखों से भी पानी आ रहा था और इसको नजला भी हो रहा था, तो मैंने इसको बस फौरन से दवाई दे दी ताकि सेट हो जाए। अभी मैंने इसको अंदर बंद करके रखा हुआ है। बाकी ये 3 कबूतर जो है, ये ऐसी 4 कबूतर 5 कबूतर ये ऐसी अंदर बैठे हैं, इनको भी बाहर निकाल देते हैं। अभी कबूतरों को उड़ाने से पहले दाना वाना डाल देते हैं ताकि ये किसी और के पास नहीं उतर जाए भूख की वजह से। तो दाना डाल दो सही से दबा के ताकि ये भी दाना खा ले, और वो काना वाला कबूतर जब अभी खोला है ये भी खाना खा ले। इसको भी उड़ाएंगे, इसको भी उड़ाएंगे, और भी कुछ कबूतर अपने उड़ाएंगे। तो सारे कबूतर बाहर निकाल दिए हम लोगों ने, तो अभी फिर इनको दाना करा रहे हैं और फिर उनको उड़ाते हैं। वो कबूतर दोबारा नजर नहीं आया ना, वो चला गया, चील ने डराया, चील से डरते हैं, वापसी ही नहीं आते, चले ही जाते हैं।
हाँ चील डराती है, आमने सामने बैठे होते हैं, अच्छा वाले उतर भी रहते हैं ना, चले जाते हैं, वापसी नहीं आते, पता नहीं तभी अपने कबूतरों को दाना करा रहे, फिर इनको उड़ाते हैं, देखते हैं कौन सा वापसी आता है। फैसल साथ ने ना मौला बख्श तो नहीं उठाया, लेकिन ये पता नहीं क्या उठा लिया, कोरियम का वो उठा लिया, और चेक करें फड़िक लगा रहे। तो ये रहा काना कबूतर, इसको नजर आ रहा होगा उस्ताद, काने को नजर आ रहा होगा, आ रहा होगा, एक आंख से ही उड़ेगा और एक आंख से ही देखते हैं छत पहचान के, वापसी आता नहीं आता, वो तो अभी से गिर रहा है, वो चेक करें किधर गिर रहा है, उसको नजर ही नहीं आ रहा कहाँ खाक उड़ेगा, वो उड़ा दिया, उड़ा दिया काना, उड़ा दिया ये काना, आ रहा है यार वापसी, आ रहा है काना, और वो लाल बंद को भी तो उड़ाओ, कहाँ गया वो लाल बंद भी उड़ा दिया फैसल उस्ताद ने, बैठ रहे लाल बंद तो, काना वाला सामने बैठ गया, वो चेक करो काना गिर गया यार, ये लाल बंद जा रहा है, ये चला गया लाल बंद तो, लाल बंद अच्छा उड़ रहा है, काना अच्छा उड़ रहा है, आप लोगों ने बताना है, ओ यार ये भी नहीं उड़ रहा, ये भी बैठ रहा था, वो चला गया पीछे, वो पीछे बिल्डिंग के चला गया, लाल बंद तो पीछे बिल्डिंग के चला गया, नजर भी नहीं, निकला भी नहीं वापसी, काना कहाँ है, वो बैठा हुआ है काना, अभी तक बैठा हुआ है, इसको उड़ाओ काने को, ये सारे उड़ा दिया जी फैसल उस्ताद ने, और लाल बंद तो गायब हो गया, लाल बंद पीछे चला गया, ये गोले अपने उतर रहे, ये भी पट्टी अपनी उतर रही है, ये भी अपना कबूतर है, लाल बंद गायब, काना वाला सामने बैठा हुआ है, काने वाले को उड़ाओ, काने वाले को, काने वाले को उड़ाओ, लाल बंद देखेंगे पहले आता है या काना वाला पहले आता है, ये चला गया काने का पास, नहीं उड़ा काना अभी भी, ओ दो कबूतर और उड़ गए, काना तो उड़ ही नहीं रहा, इस काने को नजर ही नहीं आ रहा होगा, हम लोग उसको डरा रहे हैं, उसको पता ही नहीं होगा हम डरा रहे, एक आंख खराब जो है और ऊपर से वो काना, दूसरी आंख से उसको नजर आ रहा होगा, लेकिन दूसरी आंख से वो उड़ ही नहीं रहा, वो डर ही नहीं रहा, चेक करें, उड़ जा काने सिम सिम, ओ लाल बंद आ गया, लाल बंद आ गया, ये चेक करें, ये आ रहा है छत में, ये भी गोले है क्या, अपन तो इसको पट्टी वाला समझ रहे, ये भी गोलों की तरह उतर रहे, देखो बाकी के सारे अपने इधर उधर छुप गए साइड में होगा, ये गोले जो थे अपने उतर गए, ये आ गया लाल वन, ये आ गया पीछे से, ये आ गया, इसको गोलों में उड़ा के चेक करेंगे उस्ताद, हो सकता है गोलों में उड़े ही अपने, हाँ हो सकता है, हाँ कल की वीडियो में ना ये काना आ गया, ये काना आ गया, चेक करें अभी कबूतर उड़ाए भी नहीं थे और चीलों ने देखे हल्ला बोल दिया, छत के ऊपर ही आ गई है सारी की सारी, ये उड़ ही नहीं रहा काना भी यार, बड़ा ढीठ कबूतर है, बहुत ढीठ कबूतर है, बहुत ढीठ कबूतर है, वो लाल बन तो हो सकता है गोला हो, है ना, वो आ गया लाल बन तो, ये चेक करें, ये आ गया लाल बन, ये तो हो सकता, ओ यहाँ पर कितना है, ये पट्टी वाला कबूतर होता तो ये तो उड़ता अभी बहुत देर तक, देखिए मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे इतनी सारी चीले बैठी थी, हम लोगों ने कबूतर उड़ा, सारी की सारी उड़ गई है, सारी अभी आसमान पे, वो चेक करें, ये इतना बड़ा झुंड लग गया, वो चेक करें खाली, इतनी सारी चीलें ऊपर हो गई हैं, कोई भी कबूतर उड़ाते और दो सेकंड भी नहीं लगते चीलों का पूरा झुंड लग जाता है, देखेंगे सारी की सारी यहाँ छतों पे ही उड़ रही हैं अभी, यहीं यहीं पे ही गोल हो गई हैं, वो चेक करें इतना लंबा झुंड इनका लगा हुआ है, ये सारी चीलें, तो लाल बन की मैं बात करता, ये लाल बन इसको ना कल फैसल साथ अपने गोले आज ना भूखे रखेंगे कल सुबह में, और कल अपने चार गोलों के साथ ना इसको भी उड़ा के चेक करेंगे, इस गोले को लाल बन को उड़ा के चेक करेंगे, अगर ये गोला होगा अपने गोलों के साथ साथ बिल्कुल टोली में लग के उड़ेगा, पट्टी वाले तो अपने टोली बना के उड़ते नहीं है, गोले अपने चार टोली बना के उड़ते थे लेकिन उनको भी हमने छोड़ दिया, तो कल उनको उड़ा के चेक करेंगे, जो अपने चार गोले उनमें इस लाल बन को उड़ा के चेक करेंगे, देखेंगे ये उड़ता है नहीं उड़ता। कल की वीडियो में मैंने भाइयों से पूछा था कि आप लोगों ने कोई ऐसा तरीका बताना जिससे हमारे जो सारे पट्टी वाले कबूतर मैंने कल उड़ाए थे सारे टोली बन के उड़े, तो एक भाई ने बताया क्या बोला था, कह रहे थे रोज रोज उड़ाना तो फिर टोली बन के उड़ेंगे, अब हम लोग को रोज रोज उड़ाने पड़ेंगे अपने कबूतर, लेकिन हम लोग फिर पट्टी वाले उड़ाएंगे तो गोले उड़ाने का समझ में नहीं आएगी, कल तो गोले उड़ाएंगे पट्टी वाले गोलियों के बाद उड़ा देंगे, ठीक है फैसल उस्ताद चेक करें अभी चने ट्रांसफर कर रहे हैं गोलू और भोलू के, तो ये सारे समझ रहे हैं इनको भी मिलने वाले, तो इनको भी डाल दो थोड़े से, चेक करें ये गए चने, चनों के भी दीवाने, ये बाजरा तो खाते ही खाते हैं, चनों के भी बहुत दीवाने, तो इनको कभी चने की दाल भी ला के खिलाएंगे अलग से, वो तो गोलू और भोलू की पड़ी हुई है, चने की दाल नहीं चने पड़े हुए, ये चने की दाल बहुत शौक से खाते हैं, तो वो तो उनके, तो अभी इनको इसलिए नहीं डाल रहे, इनके लिए अलग से लेकर आएंगे और इनको चने वगैरह भी खिलाएंगे, अभी तो फिलहाल हम लोग सिंपल बाजरा डालते हैं, वरना जब भी हम लोग ना चने वगैरह खिलाते थे तो इनको जो मोशन वगैरह लग जाते थे, बाजरा खाली खिलाते हैं तो बिल्कुल सेट रहते हैं कबूतर, वरना चने हम लोग ज़्यादा ही खिला देते हैं कभी, मतलब ना फिर मकई या मिक्स दाना खिलाते हैं तो उससे इनको मोशन वगैरह लग जाते हैं, तो हम लोग खिलाते नहीं है, इसीलिए हम लोग सिंपल बाजरा दे रहे हैं अभी, हालांकि अभी सर्दियाँ आ गई हैं, अभी भी हम लोग सिंपल बाजरा ही दे रहे हैं, मिक्स दाना अभी तक हमने नहीं स्टार्ट किया, और मेरा तो मूड भी नहीं है मिक्स दाना स्टार्ट करने का, वरना कबूतर ना हमारे फुल मोशन वगैरह करते रहते हैं, बीमार सुस्त कमज़ोर हो जाते हैं, तो
तो इनको अभी बाजरा ही खिलाएंगे। तो अभी जल्दी से उन छह भाइयों के नाम ले लेते हैं जिनके रैंडम कमेंट पिकर से नाम पिक हुए हैं। तो सबसे पहले जो है अपने भाई जिनका नाम पिक हुआ है उनका नाम है इजाज उस्मान अली, और दूसरे अपने जो भाई हैं उनका नाम है लखनऊ पिजन लवर। उन्होंने कोई नाम नहीं लिखा था तो उनका जो नाम शो हो रहा था वही मैंने ले लिया। उसके बाद जो है अपने उन्होंने भी नाम नहीं लिखा था, उनका नाम जो शो हो रहा था वो राउंड टू पिजन। तो उसके बाद जो है अपने लुमन भाई हैं और अपने हैं अवेश बुजदार भाई हैं और एक और भाई हैं उनका नाम मैं भूल गया हूँ, तो मैं देख लेता हूँ और उनका भी नाम ले लेते हैं। तो जिन भाई का नाम मैं भूल गया था उनका नाम था, उन्होंने नाम कमेंट किया था तैयब व्लॉग 7500, तो उनका भी नाम ले लिया। तो जिन भाइयों का नाम नहीं आया उन्होंने आज की वीडियो के नीचे भी कमेंट कर देना, और जो मैंने आपसे मुर्गी के बारे में सवाल किया था उसका भी लाजमी से जवाब देना कमेंट में। तो आप लोग से इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में मिलेंगे, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।